राजस्थान विश्वविद्यालय में शनिवार को एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठनों ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में बंद पड़ी नई लाइब्रेरी खुलवाने समेत 5 सूत्रीय मांगों पर प्रदर्शन किया, तो वहीं एनएसयूआई और शोध छात्र प्रतिनिधियों ने कुलपति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनको पद से हटाने की मांग की और दोनों ही संगठनों ने एक दूसरे पर छींटाकशी की और कुछ देर के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस टीम ने लाठियां भांजकर छात्रों को इधर उधर खदेड़ दिया, जिसके बाद एनएसयूआई और शोध के छात्रों ने कुलपति की शव यात्रा निकालकर उनका पुतला फूंका। और साथ ही शोध छात्रा प्रतिनिधि राम सिंह सामोता ने कहा कि कुलपति ने छात्र हितों के लिए आज तक कोई काम नहीं किया। विश्वविद्यालय में नियुक्तियां हो या फिर अन्य काम, सभी में कुलपति में भ्रष्टाचार किया है। ऐसे में कुलपति से इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया और जल्द ही कुलपति को नहीं हटाए जाने पर मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकालकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। एबीवीपी एक शांतिपूर्ण अपनी उचित मांगे लेके प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें प्रमुख मांग थी कि हमारी विवेकानंद मूर्ति को जो पिछले कई दिनों से खराब पड़ी है, दूसरी जो लाइब्रेरी बंद पड़ी है उसको चालू करने को, तीसरी हमारी मांग ये थी कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको, चौथी मांग हमारी थी कि SFS की जो फीस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उनको रोका जाए। हमारी ये मांगे हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से NSUI के कुछ एक असामाजिक तत्व वहाँ आते हैं और प्रदर्शन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, और जहाँ ये मर्यादा भूल के, इनको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का कुलपति यूनिवर्सिटी का सर्वे सर्वा होता है, जैसे घर में किसी का पिताजी होते होंगे, किसी के दादाजी होते हैं। आज इस इन्होंने NSUI के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से VC की अर्थी निकाल के इन्होंने ओछी मानसिकता का परिचय दिया है, हमें इनको देख के यह लगता है कि अब इनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए कुलपति जी के 1.5 साल के कार्यकाल में आप चाहे शिक्षक भर्ती देख लो, चाहे LDC भर्ती देख लो, चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी का निर्माण का कार्य देख लो, उसमें 12 करोड़ का घोटाला है। मानवी की पीठ के नव निर्माण के लिए 5 करोड़ का घोटाला है। हॉस्टलों के जो लोकल फंड का पैसा जो जारी होता है उसका घोटाला मान लो, या फिर हॉस्टलों की जो सुविधाएं हैं उनका घोटाला मान लो, 1.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र का, किसी भी हॉस्टल का, किसी भी रिसर्च स्कॉलर का ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय का एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक रूप से ऐसे तानाशाह फरमान जारी करते हैं किसी डिपार्टमेंट के लिए, किसी स्पेशल विशेष प्रोफेसर्स के लिए, और कार्यभार पे नहीं ध्यान देके अपनी राजनीति की जो ऊपर से जो दिशा निर्देश है उस पर कार्य कर रहे हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।